और नाज़रीन, बलोच कौम मुनफरिद रिवायात की अमीन है। बलोच कल्चर डे का मकसद दुनिया को सदियों पर मुहित बलोच तारीख, समाज और कबायली रिवायात से दुनिया को आगाह करना है। आलमी बलोच कल्चर डे की मुनासबत से बलोचिस्तान भर में तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहाड़ों से लेकर ग्वादर के साहिलों तक के गयूर बलोचों को बलोची सकाफत के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खूबसूरती बलोची तहजीब व तमद्दन की अक्कास है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बुज़िंजो और कायम मुकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली ने अपने पैगामात में कहा है कि यौम सकाफत नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौमी खिदमत के जज्बे को तकवीत देता है। समाजी मसावात, अदल और इंसाफ बलोच कबाइल की असास हैं। तामीरी मुआशरे के फरोग के लिए सकाफत का फरोग भी लाजिम है। बलोच कल्चर डे के मौके पर जर्मन कौंसल जनरल ने बलोची कपड़े ज़ेब तन किए। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि जदीद दुनिया में सकाफती तबादले और मुकालमे बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के लाजमी अज्जा हैं। सकाफती तबादला जर्मनी में जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अमरीकी कौंसलेट कराची ने भी बलोच सकाफती जश्न मनाने पर मुबारकबाद दी है। अमरीका और पाकिस्तान के सकाफती वर्षे भी इनके मुश्तर सकाफती तनवो का नतीजा है। बलोच सकाफत और बलोच पाकिस्तान की शानदार सकाफती इम्तजाज को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। और